अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं छोले, काबली चने के छोले, जो कि ईद वगैरह पे बहुत ज़रूरी लोगों के यहाँ बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि काबली चने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। तो दोस्तों, काबली चने बनाने के लिए हमने 3 कप काबली चने लिए थे। ये मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था। अब हम इसे कुकर में रख के बॉईल करने जा रहे हैं। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दी है, 1 टीस्पून नमक डाल दिया है और इस कॉफी मग से, एक जो कॉफी मग होता है नॉर्मल, उस कॉफी मग से 1 मग पानी लिया है। अब हम इसे फुल फ्लेम पे 1 सीटी आने देंगे, उसके बाद 15 मिनट हल्की आंच में पकाएंगे। छोले के मसाले के लिए हमने 2 अदद दरमियाने साइज की प्याज लिया है, जिसे हमने फाइनली चॉप कर लिया है और ये बस थोड़े से मसाले इसमें डालेंगे। ये छोटा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है, एक ये इलायची ली है बड़ी वाली काली इलायची, 1/4 टीस्पून हल्दी ली है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है और 1 टीस्पून नमक लिया है और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिया है मैंने। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, उसमें हम ये दोनों टुकड़े डाल देंगे गरम मसाले के। हल्का सा हम इसे भून लेंगे और हम अब इसमें प्याज को शामिल कर देंगे। प्याज को हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। आंच हम तेज रखेंगे, फुल फ्लेम पे प्याज को भूनेंगे हम जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हमारी प्याज अब ब्राउन हो गई है, प्याज का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा ग्रेवी लुक आ जाएगा प्याज में। ऐसा करने से हमें फिर छोलों में खड़ी खड़ी प्याज नहीं दिखेगी। प्याज हमारी तैयार हो गई है। 1 टीस्पून हमने अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया है और हम ये जो सारे मसाले थे वो इसमें शामिल करेंगे और हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। एक मिनट तक हम बस मसाले को हल्का सा भूनेंगे और हम इसमें कटे हुए टमाटर को शामिल कर देंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे हमारे मसाले भून जाएं। अब इसको हम हल्की आंच पे लिड लगा के थोड़ी देर 5 मिनट तक तकरीबन पकाएंगे, जिससे हमारे टमाटर वगैरह गल जाएं, फिर हम इन्हें अच्छी तरह भूनेंगे। हमारे मसाले भून गए हैं और ये सारे इसमें टमाटर प्याज वगैरह बारीक हो गई है, गल सी गई है। अब हम इन्हें खोल के ढक्कन हटा के और इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह, जब तक कि ऑयल जो है मसाला ऑयल ना छोड़ दे। आज हम मीडियम रखेंगे। हमारे छोले बॉयल हो गए हैं और बहुत अच्छी तरह गल भी गए हैं, आप देख सकते हैं। और इसका जो बचा हुआ पानी था वो उसको हमने रख लिया है निकाल के, इसको हम आगे यूज करेंगे, ये फेंकिएगा नहीं। और हमारे मसाले भी भुन गए हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, ये आप देख सकते हैं। इसमें ऑयल अलग हो गया है। अब हम छोले और मसालों को एक साथ मिक्स करके आपको दिखाते हैं। हमने छोले और मसालों को मिला दिया है। अब जो पानी बाकी हमने बचाया था, निकला हुआ था छोलों से, वो पानी हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह भूनेंगे। हम इसमें 1/2 ग्लास पानी और ऐड करेंगे पकने के लिए, क्योंकि अभी मैं इसमें 1 सीटी और लगाऊंगी ताकि छोले और मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। हम इसे बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हम इसे सिर्फ छोले और चटनी से खाएंगे, ना कि पूरियां या किसी तरह के भटूरे वगैरह से। ये ईद के लिए बन रहे हैं, ईद में ज़्यादातर हम खाली छोलों को चटनी के साथ ही खाते हैं, इसलिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं डाले हैं। हमारे छोले पक रहे हैं, अब इसमें हम 4 टीस्पून मैंने इमली का पल्प डाला है, इससे जायका बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें लेमू भी डाल सकते हैं, मगर इमली का पल्प डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसमें 5 मिनट इसको हम ढक के रख देंगे पकने के। 1/2 टीस्पून चाट मसाला है और 1/4 टीस्पून गरम मसाला है। ये गरम मसाला थोड़ा तेज़ है इसलिए मैंने कम लिया है, ये हम लास्ट में डालेंगे। चाट मसाला तो हम लास्ट में डालते ही हैं, मगर बेहतर है कि हम गरम मसाले को भी लास्ट में डालें, उससे उसकी खुशबू बरकरार रहती है जो उस मसाले की होती है। तो दोस्तों, हमारे बहुत ही जायके के छोले तैयार हो गए हैं।
इसको हम थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे, प्याज डालेंगे, आप अपनी पसंद से कुछ भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, खीरा वगैरह भी काट के डाल सकते हैं। थोड़ा सा प्याज डाला मैंने, थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देते हैं, आधा नींबू मैं इसमें डाल देती हूँ। आपको अगर नींबू का जायका नहीं पसंद है तो आप नहीं डालें, अदरवाइज नींबू का जायका बड़ा अच्छा लगता है। ये आलू भुजिया है, ये ऑप्शनल है, आप एक बार ट्राई करें, अच्छा लगेगा तो आप आगे भी खाइएगा, इसका जायका अच्छा आता है इसके साथ, पसंद करते हैं अक्सर लोग, बच्चे भी पसंद करते हैं आलू भुजिया को। तो ये रहे हमारे छोले बनके तैयार हो गए, बहुत ही टेस्टी हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और ईद के मौके पे तो ख़ास तौर से आप इन छोलों को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही जायके के बनेंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।